सुप्रभातम दर्शकों, मैं पंडित केशव शास्त्री राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज दिनांक 1 मई 2016 है, तिथि है नवमी, रविवार है एवं धनिष्ठा नक्षत्र है। आज चंद्रमा धनु राशि में 9:42 तक विराजेंगे, तत्पश्चात मकर राशि में आएंगे। इसी प्रकार सूर्य मेष राशि में विराजेंगे। आज का राहुकाल सायंकाल में 5:16 से 6:53 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर के 12:24 से 2:01 पर रहेगा एवं लाभ का चौघड़िया प्रातः 9:09 से 10:44 तक। इसी प्रकार अमृत का चौघड़िया प्रातः 10:47 से 12:24 तक रहेगा। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को बढ़ाते हुए द्वादश मेषादि राशि फल का चिंतन करते हैं। दिनांक 1 मई 2016 का दैनिक राशि फल मेष राशि। लेन देन के मामलों में किसी पर भी अधिक भरोसा न करें। अहम व क्रोध के कारण कार्य आदि में हानि संभव होगी। विद्यार्थी वर्ग श्रेष्ठ फल पाएंगे। आज का शुभ अंक है 1 एवं शुभ रंग है सिंदूरी। तो आइए दर्शकों, बात करते हैं मई माह के राशिफल की। स्वास्थ्य के हिसाब से आपका ये माह अनुकूल नहीं है। आपका राशि स्वामी भी शनि के साथ अशुभ संयोग बना रहा है। मास के पहले भाग में गुरु वक्री एवं सूर्य 12वें भाव में स्थित है, जिसके कारण स्वास्थ्य के बिगड़ने की संभावना प्रबल हो रही है। इस समय अधिक रक्तस्राव, मलेरिया, टाइफाइड, कमर दर्द और हाथ एवं पैर में दर्द की शिकायत हो सकती है। अस्तु, माह के अंत में स्वास्थ्य का लाभ होने वाला है, अतः चिंता करने की अधिक आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखें, तामसी आहार लेने से दूरी बनाए रखें। यदि वित्त और व्यापार की बात करें तो कारोबार से संबंधित निर्णय शीघ्रता में ना लें। व्यापार से संबंधित यात्रा को कुछ दिनों के लिए टालना भी उचित होगा। ऐसे समय में भाग्य पर भरोसा करने से अधिक अपने कर्मों पर विश्वास रखें। आपके आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। साथ ही लघु अवधि की यात्राएं लाभदायक नहीं होंगी, शुभकारी नहीं होंगी। हालांकि निर्णय लेने की क्षमता में भी आपकी कमी रहेगी। कुछ मामलों में दुविधा की भी स्थिति पैदा हो सकती है। आमदनी के लिए अपने स्तर पर प्रयासरत रहें। किसी अन्य के भरोसे रहना हानिकारक हो सकता है। दोस्ती और यात्रा के कारण माह के आरंभ में खर्चा बढ़ सकता है, जिन्हें माह के मध्य तक नियंत्रण में लाना अति आवश्यक है। अन्यथा आपको आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ सकता है। आपकी सृजनात्मकता, कलात्मकता और प्रबंधन की लोग तारीफ करेंगे। कारोबार में सकारात्मकता रखने से वित्तीय स्थिति संभल सकती है। तो मित्रों, मेष राशि के लिए इस माह का उपाय है कि नियमित रूप से मंगल यंत्र की पूजा करें। मंगलवार के दिन दक्षिणाभिमुख हनुमान जी को पंचमुखी घी का दीपक दिखाएं, अर्थात दीपक प्रज्वलित करना है। गुड़ एवं चने का आपको भोग लगाना है एवं शिव चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को गाय को गुड़ खिलाएं। कुल मिला के इस माह की बात करें तो स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। चोट लगने, क्षय रोग और रक्त विकार जैसी बीमारी होने की भी प्रबल संभावना है, अतः पूरी रूप से सावधानी बरतें। तो वृषभ राशि वालों, कानूनी झंझटों से आज आपको शांति मिलेगी। यदि कोई केस चल रहा है तो आपको आज उसमें विजय निश्चित है। घर में शुभ कार्य संपन्न होंगे, ज्ञान एवं विज्ञान में रुचि बढ़ेगी। कुल मिलाकर के आज का दिन आपका अच्छा है। आज का शुभ अंक है 7 एवं शुभ रंग है चमकीला। तो आइए वृषभ राशि के मासिक फल की जानकारी लेते हैं। वाहन से चोट लगने की संभावना है, इसलिए सावधानी बरतें। त्वचा से संबंधित रोग भी होने की संभावना है। परिवार के मुखिया का आज स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है।
महीने के अंतिम सप्ताह में मंगल के वक्री होने से अचानक व्यय माने कि खर्चा और अत्यधिक क्रोध के कारण नुकसान हो सकता है। दर्शकों, पैरों और जांघों में दर्द होने की भी आशंका बन रही है, इसलिए थोड़ा संभल के चलें। तो आइए वित्त और व्यापार की बात करें। इस समय सभी लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, चाहे वह परिवार का कोई सदस्य हो या कोई उच्चाधिकारी। कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधाओं का सामना करने के लिए साहस से काम लें, क्योंकि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। महीने की मध्यावधि में व्यापार में कुछ उथल पुथल होने की संभावना बन रही है। वरिष्ठ लोगों के साथ कुछ तर्क वितर्क होने से कार्य क्षेत्र में परेशानी हो सकती है। शत्रुओं को मात देने के लिए अपनी रणनीति में आपको बदलाव करना होगा। आय में भी कमी को लेकर चिंता हो सकती है। कार्यस्थल पर अपनी वाणी में संयम बरतें। शुक्र का आय में जाना आपके लिए शुभ साबित होगा। इस अवधि में सौंदर्य प्रसादन, मीडिया और कपड़ा व्यवसाय से जुड़े लोगों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और इनके काम में भी मन लगेगा। तो आइए दर्शकों, अब उपाय जान लेते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष गुरुवार के दिन प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आपको धारण करना है। श्री गणपति भगवान की आराधना करना है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को तांबे के पात्र में कुमकुम एवं जल चढ़ाएं। मिथुन राशि के जातकों, आइए जानते हैं कि आपका आज का दैनिक फल क्या कहता है। मिथुन राशि वालों, धन की कमी बन सकती है, अनचाहे व्यय पर नियंत्रण रखना होगा, यह अत्यावश्यक है। परिस्थितियां आपके विपरीत भी बन सकती है, संयम एवं संतुलन बनाए रखना होगा एवं आज के दिन आपको धैर्य बना के रखना होगा। आज का शुभांक है 6 एवं शुभ रंग है हल्का हरा। आइए मिथुन राशि के मासिक फल की बात करें। स्वास्थ्य के मामले में आपको अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस खान पान पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। बदलते मौसम में तीखा और तला हुआ खाना खाने से बचें। मिथुन राशि वालों, वित्त एवं व्यापार की यदि बात की जाए तो कारोबार एक नए आयाम को पार करेगा। इस दौरान आप व्यवसाय का विस्तार करना भी पसंद करेंगे। जो लोग कमीशन से जुड़े हुए हैं उनको अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। शुक्र के प्रबल होने से खर्चों में भी वृद्धि होगी और बचत करना मुश्किल हो जाएगा। सट्टेबाजी में पूरी सावधानी बरतें। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके काम करने में बाधाएं आ सकती हैं। महत्वपूर्ण कार्य पैसों की कमी के कारण रुक सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की उन्नति होगी एवं वरिष्ठों की बात सुनना आपके लिए हितकारी होगा। भूमि संबंधी पक्षों में आंशिक सफलता मिलेगी। तो आइए उपाय को जान लेते हैं। आपको क्या करना है, शनिवार को भगवान भैरव के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करनी है। मंगल सूर्य कवच नामक स्तोत्र का पाठ करना है, इससे आपको स्वास्थ्य का बड़ा ही लाभ होगा। कर्क राशि के जातकों, आइए जानते हैं कि आज का आपका दैनिक राशिफल क्या कहता है। कर्क राशि वालों, सूझबूझ द्वारा कार्यों में सफलता मिलेगी। अपनी क्षमता योग्यता का भरपूर उपयोग करें। रुका पैसा प्राप्त करने के प्रयास सफल होंगे। आज का शुभांक है 4 एवं शुभ रंग है श्वेत। कर्क राशि वालों, आइए जानते हैं मासिक फल के बारे में। माह के प्रारंभ में पेट दर्द जैसी शिकायतें होंगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी से बुखार भी आने की संभावना है। विश्वास की कमी आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है, ध्यान रखें। महीने के अंतिम दिनों में माताजी को भी शारीरिक व्याधि हो सकती है। दर्शकों, यदि व्यापार और वित्त की बात की जाए तो आय में अस्थिरता बने रहने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में भाग्य आपके साथ होगा। आपकी सारी योजनाएं इस माह पूरी हो सकती हैं। आप अपने धैर्य और साहस से अपनी प्रतिष्ठा और नौकरी में उन्नति प्राप्त करेंगे। माह के अंतिम दिनों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
अच्छे संबंधों से आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से विवादों को सुलझा भी सकते हैं। अधिक कार्य को लेकर कुछ चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस दौरान पूर्णतः विश्राम करने की आवश्यकता है। यदि कुछ कानूनी विवाद हैं तो माह के मध्य में ऐसे मुद्दे सुलझने की भी संभावनाएं बन रही है। सरकारी कार्यों पर दृष्टि रखें, क्योंकि वे सफल होने वाले हैं। यात्राओं से सफल परिणाम की आशा न करें। माह के मध्य भाग के उपरांत परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी और आपको व्यापार में भी लाभ प्राप्त होगा। तो आइए उपाय जानते हैं। दर्शकों, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। प्रत्येक रविवार को मंदिर में बूंदी के लड्डू का चढ़ावा चढ़ाएं एवं पीपल के वृक्ष को जल अर्पण करना है। सिंह राशि के जातकों, आइए जानते हैं आज का दैनिक फल। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, धीरे धीरे परिस्थिति में सुधार आएगा, आय के साधन मध्यम होंगे, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। इसी प्रकार आज का आपका शुभ अंक है 5 एवं शुभ रंग है लाल। आइए जानते हैं आपके मासिक फल के बारे में। स्वास्थ्य के लिहाज से इस माह आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। पेट संबंधी बीमारियां हो सकती है। वित्त एवं व्यापार की यदि चर्चा की जाए तो ये महीना आपके व्यवसाय के लिए अच्छा है। आप अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए शीघ्र निर्णय न लें एवं न ही शेयर बाजार में पैसा लगाएं। सरकारी मामले बाधा पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनको पूरा करना आवश्यक है। आर्थिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए समय बेहतर है। व्यावसायिक साझेदार के साथ आपको लाभ मिलेगा। पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय है। प्रॉपर्टी खरीदने की चाह पूरी होगी। कानूनी पक्षों में सावधानी बरतनी होगी। तो आइए उपाय को जान लेते हैं। आपको क्या करना है? श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र का दैनिक पाठ करना है एवं श्री गणेश जी की मूर्ति को गणेश अथर्व शीर्ष से जलाभिषेक करना है। कन्या राशि के जातकों, आइए जानते हैं आज के आपके ग्रह गोचर आपके बारे में क्या संकेत दे रहे हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत लाभकारी है। आपकी आय में वृद्धि होगी, किसी अन्य तरीके से भी आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। मित्रों के साथ भेंट होगी, व्यापार में लाभ होगा एवं संतान और जीवन साथी से भी सुख मिलेगा। आज का शुभ अंक है 3 एवं शुभ रंग है हल्का नीला। इसी प्रकार आइए चलते हैं कन्या राशि के मासिक राशि फल के बारे में। कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य के रूप में इस माह में आपकी सेहत औसत रहने वाली है। आपको तनाव लेने एवं क्रोध करने से बचना होगा, क्योंकि इससे आपकी मानसिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। विश्राम करने के अवसर नहीं मिलेंगे एवं इससे आपको थकान हो सकती है। कार्यभार के कारण भी आपको तनाव हो सकता है। माह के मध्य में मनोरंजन जैसे विषयों में सक्रियता होने से आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा और जोश का अनुभव करेंगे। यदि वित्त और व्यापार की बात की जाए, कार्य क्षेत्र की मित्रता इस समय आपके बहुत ही काम आने वाली है। साझेदारी वाले व्यापार से आपको मन के अनुसार लाभ नहीं मिलेगा। आय और व्यय के बीच संतुलन बनाने में भी इस समय आपको परेशानी होगी। इस अवधि में अनावश्यक रूप से पैसे खर्च करने से आपको बचना है। व्यापार और नौकरी के परिप्रेक्ष्य में की गई यात्राएं सफलदायक होंगी। दोस्तों की राय लाभ प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होंगी। ध्यान रखें, विपरीत लिंग का कोई व्यक्ति आपके लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। माह के अंत तक कुछ अप्रत्याशित धन लाभ होने की भी संभावना बन रही है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि ज्यादा रहेगी। जमा पूंजी में वृद्धि होने का योग भी बनेगा। अपने कार्यों में आपको किसी भी प्रकार की त्रुटि बर्दाश्त नहीं होगी। आपकी वित्तीय स्थिति दिनों दिन सुदृढ़ होती जाएगी। सभी प्रकार के आर्थिक मामलों का निपटारा जल्द ही हो जाएगा। माह के अंत तक शेयर बाजार से भी आपको बेहतर लाभ मिलने की संभावना है।
अपने मन पसंद के कार्यों को करने में आपकी रुचि बनी रहेगी। तो आइए दर्शकों उपाय को जान लेते हैं। दर्शकों आपको नियमित रूप से शिव परिवार की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि प्राप्त होगी। पूजन सामग्री में विल्व पत्र, फल फूल, श्वेत वस्त्र और भगवान गणेश जी के लिए सिंदूर अवश्य लें। साथ ही दुर्वा, मिष्ठान, भांग, धतूरा भी पूजा की थाली में ले सकते हैं एवं गणेश जी को मोदक का भोग अवश्य लगाएं और विधिवत पूजा करें। तुला राशि वालों आज आपको नए कार्य के प्रारंभ करने का योग भी बन रहा है। भाषा और व्यवहार पर आपको संयम रखना होगा। साथ ही स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। गहन चिंतन के द्वारा आज आपको मन शांति प्राप्त होगी। आज का शुभ अंक है 7 एवं शुभ रंग है सुनहरा। तुला राशि वालों आइए जानते हैं मासिक फल के बारे में। स्वास्थ्य के लिहाज से आप इस माह में अपनी अच्छी सेहत बनाए रखेंगे। इस दौरान लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। खाने पीने पर विशेष ध्यान रखना होगा। तैलीय पदार्थ ना खाएं। दर्शकों वित्त एवं व्यापार की यदि बात करें तो ये माह आपको मिला जुला परिणाम देने वाला है। माह के प्रारंभ में आपको थोड़ी निराशा हासिल हो सकती है। वहीं माह के मध्य भाग में आपको कोई उपहार मिल सकता है। नई योजनाओं के लिए समय बेहतर नहीं है, इसीलिए कई अहम फैसलों को आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं व्यापार में बहुत ज़्यादा लाभ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन माह के मध्य में चीज़ें सही हो जाएंगी। कार्यक्षेत्र में आपके वरिष्ठ आपसे खुश रहेंगे एवं आपका कठिन परिश्रम आपके लिए सफलता की कुंजी बनेगा। इस समय आप किसी दूसरे कारोबार से भी जुड़ सकते हैं। वैश्विक स्तर पर आप व्यापार के बारे में भी सोच सकते हैं। साथ ही आप आयात एवं निर्यात के व्यापार में भी हाथ आजमा सकते हैं। तो आइए दर्शकों उपाय जान लेते हैं। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का आपको दैनिक रूप से पाठ करना है, क्योंकि ये आपके लिए सर्वोपकारी रहेगा। मित्रों के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, मनोरंजन करना, छोटे पर्यटन एवं भोजन आदि वस्त्र परिधान में आप बहुत आनंदित रहेंगे। आज का शुभ अंक है 1 एवं शुभ रंग है लाल। तो वृश्चिक राशि के मासिक फल की बात करते हैं। स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। पाचन से संबंधित बीमारियां हो सकती है। मानसिक तनाव भी रहेगा। कुछ बीमारियां अचानक ही आएंगी। ऐसे में आपका आत्मबल ही आपकी सबसे बड़ी प्रतिरोधक क्षमता बनेगा। यदि वित्त एवं व्यापार की बात की जाए तो आपका कठिन परिश्रम ही आपके सफलता का मार्ग है। यह समय नौकरी बदलने के लिए भी अच्छा है। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी बढ़ेंगी। कार्यों को उचित समय में संपन्न करें। व्यापार के लिए समय थोड़ा संघर्षशील रह सकता है। आप व्यापारिक यात्रा भी कर सकते हैं। आपके विरोधी आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान भी पहुंचाएंगे, इसलिए उनसे भी अवश्य सावधान रहें। उपाय की बात करते हैं तो आपको मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा करनी है। सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के पास जलाएं। शिव चालीसा का पाठ करें, रुद्राक्ष भी पहनें। इन सभी उपचारों से शनि की 7.5 का प्रभाव कमजोर होगा। पेशेवर जीवन में यदि कोई कठिनाई आती है तो भगवान श्री हरि की पूजा करें, विष्णु की पूजा करें। धनुराशि वालों आज आपके लिए आर्थिक लाभ का दिन है। घर में शांति और आनंद का वातावरण रहेगा, जो कि आपके मन को प्रसन्न रखेगा। अपनी वाणी पर संयम रखना है, अन्यथा बनते काम बिगड़ सकते हैं। आज का शुभ अंक है 9 एवं शुभ रंग है पीला। तो आइए दर्शकों धनु राशि के मासिक फल की बात करते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह माह आपके लिए सामान्य रहेगा।
वित्त और व्यापार की बात की जाए तो इस माह में खर्च पर वृद्धि होगी, जिससे आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। कोई बड़ा आर्थिक निर्णय ना लें दर्शकों। कार्य से संबंधित यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी एवं आपका धन भी बढ़ेगा। वरिष्ठ नागरिकों का सुझाव आपके कठिन मार्ग का प्रशस्तीकरण करेगा। बिल्डरों को लाभ न होने के भी यहाँ संकेत मिल रहे हैं। एक अच्छी बात यह कि पार्टनर के साथ आपके व्यवसाय में लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि आप शेयर बाजार में हैं तो इसमें भी महीने के अंत में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। तो आइए उपाय को जान लेते हैं। भगवान शिव की आपको पूजा करनी है एवं दान एवं पुण्य में अपनी सहभागिता निभाएं एवं निःशक्तजनों की सहायता करके आप भगवान का माध्यम बने। आज आपका दिन शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता के कारण कठिनाई से बीतेगा। शारीरिक कष्ट विशेषकर आंखों में पीड़ा होने की संभावना है। कुल मिलाकर के आज का दिन श्रेष्ठ है। आज का आपका शुभ अंक है 1 एवं शुभ रंग है काला। मकर राशि वालों, आइए जानते हैं मासिक फल के बारे में। मकर राशि वालों, स्वास्थ्य इस महीने में स्थिर रहेगा। अपने आहार में हरी सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं और तैलीय पदार्थों को खाने से बचें। यदि वित्त और व्यापार की बात की जाए तो मई माह आपके लिए मिश्रित परिणाम लेके आया है। माह का प्रारंभ इस महीने के अंत की तुलना में कम अनुकूल है। इस समय आपको निवेश करने से बचना होगा। आपके व्यापार की योजनाएं धीमी गति से आगे बढ़ेंगी। नौकरी करने वाले लोगों को लाभ प्राप्त होगा। वहीं गुप्त वार्ता अर्थात मीटिंग्स में आपके प्रयासों की खूब सराहना होगी। इस समय आप किसी लाभप्रद यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपका कद श्रम आपके भाग्य को चमकाएगा। अनावश्यक चीजों पर पैसा खर्च करने से बचें और इस महीने आप कोई दुस्साहस न करें। आइए उपाय जान लेते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का दैनिक रूप से पाठ करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा एवं हड्डी तथा त्वचा रोग से तत्काल प्रभाव से सुधार आएगा। कुंभ राशि वालों, आज आपके स्वभाव में प्रेम का प्रभाव दिखाई देगा। इस कारण मानसिक रूप से व्यग्रता का अनुभव होगा। स्वभाव में हटीलापन टालिएगा। आज का शुभ अंक है 2 एवं शुभ रंग है नीला। कुंभ राशि वालों, आइए जान लेते हैं आज के मासिक फल के बारे में भी। कुंभ राशि वालों, यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। तनाव, गैस, कब्ज जैसे रोगों से आप प्रभावित हो सकते हैं, ग्रस्त हो सकते हैं। यदि वित्त और व्यापार की चर्चा की जाए तो आपका कठिन परिश्रम आपको बेहतर उपहार दिलाएगा। सभाओं में, मीटिंग्स में एवं प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन और यात्रा आदि में आप व्यस्त रहेंगे। आप शक्तिशाली लोगों के संपर्क में आएंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। इस माह में आप अपनी नौकरी भी बदल सकते हैं। यह महीना भविष्य के लक्ष्यों की योजना बनाने में और निवेश करने के लिए अच्छा है। तो आइए उपाय जानते हैं आपको क्या करना है। दर्शकों, हनुमान जी के नित्य दर्शन से आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। वहीं विपरीत स्थिति में भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु की पूजा करें। मीन राशि के जातकों, आइए जानते हैं आज के दैनिक फल के बारे में। आज आपका दिन शुभ फलदायी होगा। आपकी सृजनात्मक एवं कलात्मक शक्तियों में वृद्धि होगी। वैचारिक स्थिरता के कारण आपके कार्य आज अच्छी तरह से संपन्न हो पाएंगे। आज का शुभ अंक है 3 एवं शुभ रंग है पीला। मीन राशि के जातकों, आइए जानते हैं आपके मासिक फल के बारे में। यदि स्वास्थ्य की चर्चा की जाए तो स्वास्थ्य जीवन इस महीने औसत है। यदि वित्त और व्यापार की चर्चा की जाए तो इस माह में वृत्ति यानी आमदनी थोड़ी कमजोर हो रही है। सहयोगियों के साथ होने वाले विवाद सुलझेंगे।
पैसा कमाने के लिए अनैतिक राह का उपयोग न करें, बल्कि अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। आइए जानते हैं इस माह में आपको उपाय क्या करने हैं। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है और वहां पर श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करना है। तो दर्शकों, सभी शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित केशव शास्त्री अभी आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। हरिओम।